हाय दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल टेक्नो खाजा में आपका। मेरा नाम है ख्वाजा और आप देख रहे हैं टेक्नो खाजा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडस्टेरा और एडमेन के डिफरेंस में। तो दोस्तों, दोनों के बारे में बात करेंगे आज। आपकी अब ब्लॉग या वेबसाइट है तो दोस्तों, उस पर विजिटर्स आते भी हो या नहीं भी आते हो, तो दोस्तों दोनों के लिए ये बहुत बेटर है। एक एडसेंस के अल्टरनेटिव के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बाद किस पर आपके लिए, आपकी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, आप उस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडस्टेरा के बारे में। तो दोस्तों, मुझे एडस्टेरा के बारे में, पहले तो मैं इस पर मेरा अकाउंट खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा एडसेंस का अकाउंट। यहाँ पर आपको मेरे बैलेंस भी दे सकते हैं, अर्निंग थोड़ी हो चुकी है। तो मैं आपको इसकी सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये किसी देरी के ये अप्रूवल दे देता है। तो दोस्तों, आपका यह ब्लॉग है या वेबसाइट है, आपने अभी अभी क्रिएट किया है, जस्ट ही क्रिएट किया है, तो दोस्तों उस पर आपने पोस्ट डाले भी हो नहीं डाले हो, इंस्टेंट क्रिएट किया है और इंस्टेंट इस पर अप्लाई करेंगे। एडस्टेरा के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों, इंस्टेंट ये आपको अप्रूवल दे देगा और इंस्टेंट एड्स के जनरेट भी हो जाते हैं और आप इंस्टेंट आपके एड कोड आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर जाकर पेस्ट करिए। आपको अगर दिखाना है तो दोस्तों जी बिल्कुल, आप अगर नई वेबसाइट भी अगर ब्लॉग भी क्रिएट किए हैं तो आप इसके अंदर अप्रूवल लेना चाहते हो, इंस्टेंट अप्रूवल दे देता है और इंस्टेंट आपके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे ऐड शो भी होने लग जाते हैं। बस आपको क्या करना है, आपके ब्लॉग पे बस एक पोस्ट डालना है ताकि वो ऐड शो कराने के लिए जगह हो। क्योंकि अगर आपके ब्लॉग के अंदर अगर एड्स शो कराने की जगह नहीं है तो एड्स कहाँ शो रखाएगा। मिनिमम आपको एक पोस्ट तो डालना ही होगा, चाहे आप कॉपी करके डालिए। इस पर एक बात अच्छी है कि कॉपीराइट नहीं देता है, चाहे आप कॉपी करके डालिए या आपकी इमेज अपलोड करिए या आपका नाम लिखिए, बस पोस्ट कर दीजिए। बस पोस्ट होने की ज़रूरत है, आपको ये एड्स शो होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, एक बात मुझे इस पर अच्छी नहीं दिखी, क्योंकि ये अडल्ट ऐड शो करता है, जैसे इरोटिक ऐड, जैसे 8+ अडल्ट ऐड होते हैं, सेक्सुअल ऐड, वो ऐड शो करता है। तो दोस्तों, एक महीना पहले मैंने अपनी ब्लॉग का लिंक इस पर कनेक्ट कर लिया था अपने ब्लॉग से, अप्रूवल ले लिया था दोस्तों, इंस्टेंट दे दिया था, इंस्टेंट भी ऐड जनरेट हो रहे थे, इसके कोड भी जनरेट हो रहे थे और मैं जैसे पेस्ट करता गया तो दोस्तों बाद में मुझे पता चला कि इस पर इरोटिक ऐड शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, इरोटिक ऐड शो होने के कारण मैं इस पर फिर से सारे ऐड कोड को रिमूव कर दिया और इस पर से मैं अपनी लिंक को डिसेबल कर दिया और सारे ऐड कोड मैंने जो ब्लॉग पर ऐड किए थे वो सबको हटा दिया। और सबको हटाने के बाद मैंने इसको एक ईमेल किया कि दोस्तों, मैंने एडस्टेरा को एक ईमेल किया। ईमेल करने के बाद कुछ दिनों के बाद एडस्टेरा का रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया मैं आपको ईमेल में ले जाकर दिखाता हूँ। तो ये मेरी ईमेल्स है एडस्टेरा के, मैंने जो पासवर्ड भूला था वो है। तो यहाँ पर एक ईमेल है, तो ये आप देख सकती हैं, ये ईमेल मैंने इसको यहाँ पर एक ईमेल किया था। तो मैंने ये ईमेल किया था, यू शो माय साइट ओनली अडल्ट एड्स। तो मैंने ज़्यादा चुप, मैंने ऐसे ही ईमेल कर दिया था कि मुझे पता नहीं था क्या इसका रिप्लाई आएगा। मैंने चुप टाइम पास के लिए इसको ये मैसेज भेज दिया था, ईमेल कर दिया था। तो दो दिन हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं, दो दिन के बाद मैंने देखा तो ये यहाँ पर एक ईमेल आ गया था एडस्टेरा का। ये कह रहा है, हेलो, कुड यू प्लीज़ चेक एड्स अगेन, आई हैव फिल्टरेड 18+ एडवर्टाइजेड, थैंक यू एडस्टेरा। तो ये जैसे ईमेल आया, मैं दो दिन के बाद मैंने तुरंत एडस्टेरा को लॉगिन किया और सारे ऐड रीएक्टिवेट करने के बाद मैंने फिर से ब्लॉग पर लगाए। तो आप कुछ सही में थोड़ा डिफरेंस किया है उन्होंने, वो इरोटिक एड्स को सारे रिमूव कर दिए। आज से एक महीना पहले मैंने जब अप्लाई किया था तो जब मैंने ऐड्स लगाए तो सारे इरोटिक ऐड ही शो हो रहे थे, तो उसके कारण मैंने रिमूव कर दिया था। तो आज दो दिन पहले इसका ईमेल आया, तो दो दिन जब ईमेल आया मैं तभी रिएक्टिव करके फिर से देखने के लिए
रिएक्टिव करके सारे इसके ऐड कोड फिर से मैं ब्लॉक पर लगाया हूँ, तो सही में ये सारे एडल्ट ऐड को रिमूव कर दिए और नए नए एडवर्टाइज इस पर शो हो रहे हैं। मैं इसको आपको मेरे ब्लॉग पर ले जाके बता दूंगा, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या पता अगर इसके नए एडवर्टाइज के एक्सपायरी डेट आ गई और फिर से ये आने वाले 1-2-3 महीने में फिर से वही एरोटिक ऐड या एडल्ट ऐड शो करने लग जाए, तो मुझे पता नहीं। तो अब तो ये ईमेल आ गया है, तो सही में इसके एड्स रिप्लेस हो गए हैं, कुछ नए नए एड्स आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं, पहले की तरह एडल्ट ऐड नहीं शो रहे हैं। तो मैं गारंटी नहीं देख सकता कि आपको ये अगर इसके एडवर्टाइज के ये जो नया एडवर्टाइजमेंट है इसकी एक्सपायरी डेट अगर ख़त्म हो गई तो फिर से आपको 1-2 महीने के बाद फिर से शायद ये इरोटिक ऐड दिखाना शुरू कर देगा। 80+ एडल्ट ऐड जो होते हैं वही दिखाना शुरू कर देगा। मैं कहता नहीं, आपको बताता हूँ कि एड्स इसके कैसे शो हो रहे हैं, मेरे ब्लॉग पर चलते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लॉग, तो मैं आपको एड्स इसके बता रहा हूँ कि कैसे शो हो रहे हैं। व्यू ब्लॉक कर लेते हैं, तो ये हम आ गए मेरे ब्लॉक पर। यहाँ पर एडवर्टाइज शो होंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल एडवर्टाइज शो हो रहे हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको नीचे फुटर के ऐड दिखाता हूँ। तो मैं फुटर के ऐड दिखा रहा हूँ, क्या फुटर के ऐड शो हो रहे हैं। फुटर में मैंने 3 ऐड लगाए हैं, 2 लगाए हैं सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, चारों के 4 ऐड शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भी ऐसे एडल्ट ऐड इरोटिक ऐड शो नहीं हो रहे हैं, बस गेम के ऐड आए हैं। ये चारों के 4 गेम के ऐड है और मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा वो भी गेम के ऐड है, हेडर में जो लगाया हूँ मैं। जो मैंने हेडर तो मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार आपको रिफ्रेश मार के दिखाऊंगा। तो मैं रिफ्रेश मार के दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश मारने के बाद एड शो हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर फुटर के एड्स भी दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल इरोटिक एड शो नहीं हो रहे हैं, जो नए नए गेम के ऐड है वो ऐड शो हो रहे हैं। मैं आपको फुटर में जाके दिखाता हूँ कि फुटर के एड शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फुटर में मैंने 4 ऐड लगाए थे, तो देखते हैं शो हो रहे हैं क्या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों फुटर के ऐड भी यहाँ पर शो हो रहे हैं 4। ये 3 तो मैंने सही लगा दिया, बट ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया तो साइड में लग गया है, तो बाद में मैं चेंज कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेमिंग के ऐड 4-3 मैंने फुटर में ऐड लगाए, एक साइड बार में लगाया, गलती से लगाया हूँ। तो आप देख सकते हैं चारों के 4 यहाँ पर फुटर में भी शो हो रहे हैं और साइड बार के मैं दिखाता हूँ आपको और एक बार ऊपर।
यहाँ पर आपको साइड बार के भी 3 ऐड शो हो रहे हैं। तो दोस्तों बीच बीच में आपको पॉप अंडर ऐड भी दिखेगा, जैसे मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पर, शायद वो पॉप अंडर ऐड ओपन हो जाए या वेब पुश जो ओपन हो जाए, वेब पुश का ऐड है जो ओपन हो जाए। आपको ये देखिए, तो मैंने जैसे ही आर्टिकल पे क्लिक किया या इमेज पे जो भी व्यूअर्स क्लिक करेगा तो ऐसा आपको वेब पुश ऐड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक ऐड ओपन हो गया है, जैसे भी व्यूअर आएगा आपके टाइटल को टच करेगा या इमेज को टच करेगा तो पॉप अंडर ऐड आपको शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी पॉप अंडर ऐड नैरेटिव है, गेम का ऐड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यूअर्स आपके इमेज या टाइटल को टच करेगा तो वेब पुश ऐड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ से सिंपल बैक कर लेता हूँ, यहाँ से हम वापस आर्टिकल में आ गए तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर एडस्टेरा पर जाना चाहते हैं तो आपको आपके ब्लॉग पर एडस्टेरा के ऐड शो कराना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि एडस्टेरा पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों मैंने उस पर पूरा ट्यूटोरियल लाया हूँ, पूरा ट्यूटोरियल बना दिया है। तो दोस्तों उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया हूँ उसमें कैसे एडस्टेरा पर अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे इसके एड्स जनरेट करने हैं और इसके एड कोड कहाँ कहाँ ब्लॉग में कहाँ कहाँ सही सही जगह पेस्ट करने हैं, वो सारा का सारा आपको मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ, अर्निंग प्रूफ के साथ विद आपको सब बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो एडस्टेरा के बारे में कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एडस्टेरा पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, एडस्टेरा के एड्स आपके ब्लॉग्स पर लगाना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एड मेवन, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एड मेवन के बारे में। तो दोस्तों एड मेवन जो कोई भी आप लोग नहीं जानते एड मेवन क्या है, तो दोस्तों एड मेवन एक एडसेंस का अल्टरनेटिव है। जैसे एडसेंस आपके ब्लॉग पर वेबसाइट पर एड्स दिखाता है, वैसे एड मेवन भी एड्स दिखाता है और इस पर भी पैसे अच्छे खासे अर्न किए जा सकते हैं एड्स शो करा कर आपके साइट पर। तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एड मेवन का अकाउंट ये रहा। तो दोस्तों इस पर कुछ बातें हैं मैं जो आपको बताना चाहूँगा, जो आप नए ब्लॉगर हो या नया अकाउंट क्रिएट किया हो, नया वेबसाइट क्रिएट किया हो, तो दोस्तों आप इस पर मत जाइए, आप एडस्टेरा पर ही जाइए। क्योंकि अगर आपके ब्लॉग या वेबसाइट पहले से ही है, आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर अच्छे खासे विजिटर्स आते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो आप एड मेवन यूज़ करिए वरना एडस्टेरा यूज़ करिए। आप इसको इसके ऐड कोड में आपको दिखाऊंगा, आप इसके ऐड कोड देख लीजिए, एड्स देख लीजिए कौन से तरीके के इसके एड्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉप ऐड है, नेटिव पुश ऐड है, पुश इन पेज ऐड है, बैनर वीपीएन है और ये एड्स फ्लोटर पुश पेज है और एड ब्लॉकर है, लाइट बॉक्स, इंटरेस्टेड कंटेंट ब्लॉकर, ये सब एड्स है जो इसमें से आपको सिर्फ दो ही ओपन होंगे। पहला तो ये बैनर वीपीएन, ये एक ओपन होगा जब आपकी साइट ब्लॉग या नई नई होगी, जो आप न्यू होंगे तो उस पर आप सिर्फ दो ही ऐड लगा सकते हैं, बैनर वीपीएन और नेट पॉप, ये दोनों ही आप लगा सकते हैं। क्योंकि इस पर ये दो ऐड भी ज़्यादा अच्छे खासे ना इमेज शो होंगे ना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखाई देंगे कि वीपीएन का टेक्स्ट बैनर में दिखाई देगा आपको, और जो पॉप अंडर ऐड जो ये आएगा पॉप अंडर ऐड वो भी टेक्स्ट में आएगा। इसकी इससे कोई आपको अर्निंग होने वाली नहीं है, ये सारे ऐड तब शो होंगे आपको जब आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर 10K विजिटर्स आने लगेंगे, 10K 10,000 इंप्रेशन आने लगेंगे। रोज के 10,000 विजिटर्स आपके ब्लॉग पर या वेबसाइट पर आते हैं तो आपको आप एड मेवन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके अगर ब्लॉग पर या वेबसाइट पर 10,000 विजिटर्स आते हैं तो आप एड मेवन पर ही जाइए, इस पर ही जाइए, और नहीं आते हैं नहीं है तो आप एडस्टेरा को यूज़ कर सकते हैं, एडस्टेरा पर जाकर उसके एड शो कर अर्निंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको इसको ईमेल बताता हूँ कि मैंने इसको ईमेल सेंड किया था कि ये सारे ऐड कोड ओपन क्यों नहीं रहे, ओपन कर दीजिए सारे ऐड कोड, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग पर सारे एड्स दिखा सकूँ। तो मैंने ईमेल किया था एडमिन को, तो एडमिन का जवाब आया कि आप देख ईमेल दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देख सकते हैं आप ईमेल, तो ये वाली है जो मैंने ईमेल किया था एडमिन को, तो इसको ओपन कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको एक ईमेल किया था, यहाँ देख सकते हैं वाई नेट शोइंग इंडस्ट्रियल एड कोड, प्लीज ओपन ऑल एड कोड, आई विल शो ऑल टाइप एड, इसको ओपन ऑल टाइप एड्स टू माय साइट। तो मैंने ये ईमेल सेंड किया था एडमिन को, तो एडमिन का जवाब आया, हेलो थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वे एबल टू यूज इंडस्ट्रियल, द साइट नीड टू बी विथ ए मिनिमम 10K विजिटर्स पर डे, इफ यू हैव 10K डेली इंप्रेशन प्लीज सेंड अस योर साइट एंड गूगल एनालिटिक्स। तो दोस्तों अगर आप एडमिन पर अकाउंट क्रिएट किए, आपके ब्लॉग पर अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो सारे ऐड कोड को ओपन करने के लिए आपको 10,000 विजिटर्स पर डे आना जरूरी है। आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर 10,000 व्यूज इंप्रेशन आते हैं, तो आप इसको आपके एनालिटिक्स का जो एनालिटिक्स होता है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ईमेल करना होगा कि इसको दिखाना होगा कि हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पर 10,000 विजिटर्स आ रहे हैं, आप हमारे एड्स को ओपन कर लीजिए सारे ऐड को। तो ये आपको एनालिटिक्स देखकर तब आपके एड्स को ओपन कर देगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं प्लीज़ सेंड योर साइट गूगल एनालिटिक्स, इन दिस केस वी विल बी एबल टू ओपन दिस ऑप्शन फॉर यू। तो आपके लिए ये सारे ऐड कोड का ओपन कर देंगे कि आपके ब्लॉग के साइट पर सारे ऐड दिखाने के लिए ऐड कोड को ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके ब्लॉग या वेबसाइट पहले से क्रिएट थी या अच्छे खासे 10,000 विजिटर्स इंप्रेशन आते हैं रोज़ के, तो आप एडमिन पर जा सकते हैं, वरना आप नए हैं इतने सारे विजिटर्स नहीं आते हैं, तो आपके लिए एडस्टेरा बेटर है। तो दोस्तों आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपको एडमिन पर जाना है क्या एडस्टेरा पर जाना है। अगर आपके एक दिन में 10,000 व्यूअर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, 10,000 इंप्रेशन आते हैं, तो आप आराम से इजीली एडमिन पर जा सकते हैं। या अगर आपके एक दिन में 100 या 50 व्यूज़ आते हैं, तो आप इजीली एडस्टेरा पर ही जाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपके ब्लॉग पर विजिटर्स कितने आते हैं, आपको कौन सा बेटर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि एडस्टेरा पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों मैं एक वीडियो पर ट्यूटोरियल बनाया हूँ, स्टेप बाय बताया हूँ मैं उस वीडियो में कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं एडस्टेरा पर, कि एडस्टेरा के ऐड कैसे जनरेट करते हैं, और एडस्टेरा के ऐड ब्लॉग पर कहाँ लगाते हैं, तो सब मैं बताया हूँ। फुटर में ऐड लगा के दिखाऊँ और साइड बार में ऐड लगा के दिखाऊँ। तो दोस्तों वीडियो अगर देखना है तो उसका लिंक आई बटन में, पूरा ट्यूटोरियल है एडस्टेरा का, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको एडस्टेरा का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए, और जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।